ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾਕੂਤ ਹੁਸੈਨ। ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਸਦਾਕੂਤ ਹੁਸੈਨ। ਸਦਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, हिस्ट्री कोई नहीं होनी ना। हाँ, इस तरह नहीं, क्योंकि जितनी ये पुरानी है फिर हिस्ट्री से कोई ना हो। हिस्ट्री कोई नहीं है। अच्छा, ये पांचों पीरों की बैठक, मतलब इतने पांच पीर बैठे बैठक कहते हैं। बैठक कहते हैं, ठीक है। तो और भी कोई इस इलाके में यहोजी जगह है? और भी दरबार हैं, बेशुमार हैं, लेकिन बैठक यही है। लेकिन मेन बैठक यही है, ठीक है। बाकी भी है, क्यों नहीं है। अच्छा, ऊन जिथे किसी की कबर वगैरह कोई नहीं? बोलना शरबत नहीं बेचना। कितने का दे रहे शरबत? 20 का ठंडा जी। चल दे यार, तेरा शरबत चेक करने हैं कैसा। मास्टर जी उरावो उरावो, शरबत कहीं दा बनाई मेरा बेटा? टैंक दा जी। टैंक अच्छा इस्तेमाल कीती जो 10 रुपए वाला जी? अच्छा। इंज ना वे सानू पी के खंग लग जे। पैसे तूं जी लै लै जे, हल्का लाए मास्टर जी। आ पियो हम बच्चे दी शरबत। टैंक ओह जो स्क्रीन वाला बहर पी लवो सोतला बजा ही हो जी। स्क्रीन वाला यूज किए ना खोते टैंक। तू पता की करिया कर, बजाय शरबत बनाने वैसे ठंडा पानी इतने रखे कर। 10 रुपए का गिलास तेरा बिकता रहे, तेनू ऐ स्क्रीन पाने की लोड़ ही कौन नहीं। ठीक है, के नाम मेरे पुत्र दा? मुजीबुर रहमान। ते इत्थे रोजाना आके बेचना शरबत जी? नहीं, इतवार। सिर्फ इतवार दे इतवार स्कूल जाना जी? अच्छा, छुट्टी वाले दिन सिर्फ आऊंगा। ते मेरा पुत्र कितनी दिहाड़ी बना के जांदा? घर जा कर देने हैं। घर जा कर नहीं देंदा, ते घर ही जाके उन कितने कुछ दिन दे पैसे बन जांदे ने। नहीं रख मेरा पुत्र, रख ले, कोई गल नहीं। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं इसको पंच पीर बैठक बोलते हैं। इसके बारे में बता रहे हैं यहाँ के जो रहने वाले काफ़ी लोग हैं कि यहाँ पर पंच पीर आकर बैठा करते थे। इसके अलावा इसकी क्या हिस्ट्री है किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं ये पंच पीर की बैठक। एक दरबार सा बना हुआ है लेकिन इसकी हिस्ट्री कोई नहीं है। तो अभी देखिए, ये है जी 2 कमरे बने हुए हैं, आगे बरामदा बना हुआ है मस्जिद की तरफ का। और कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल कलमा लिखा हुआ है, और अल्लाह ताला और या अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। और इसी को बोलते हैं जी पंच पीर बैठक। ये सारा इलाका भी इसी के नाम से मंसूब है, पंच पीर रॉक्स यानी पंच पीर चटाने। अभी मैं आपको इस बैठक के इर्द गिर्द का मंदिर भी दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप देखेंगे तो इंशाल्लाह पसंद करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ दरख्त हैं जी जिनके साथ कपड़े वगैरह बंधे हुए हैं, रियाद का गला बना हुआ है, और एक ये पालकी वगैरह बनी हुई है। बस यही कुछ है यहाँ पंच पीर बैठक पे।
ये देखिए जी, ये बैठक के इर्द गिर्द का नज़ारा, और आप खुद फैसला कीजिए कि इसकी खूबसूरती के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा इलाका देखने के काबिल, इतना खूबसूरत है कि आदमी देखता ही रह जाता है। बहुत प्यारी सीनरी है यहाँ पर। अच्छा जी, ये हमारे एक भाईजान बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और इस इलाके के बारे में कुछ मालूमात लेते हैं। तो भाईजान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अजीज़ अहमद। अजीज़ साहब, सानू तुसी ये दसो, पंजाबी गल करिए, उर्दू छोड़ो तुसी जी, कि ये जेड़ा इलाका है इसका नाम की है? पंज पीरी है या कोई और नाम है? इलाका नाड़ है। नाड़ है जी। अच्छा, जड़िया चट्टाना ने इन्हों पंज पीर चट्टान कहते हैं जी। पंज पीर रॉक्स। पंज पीर रॉक्स, वो चट्टान हो गया जी। तो दसो, इस इलाके जो बंद रेंदे ने, काफ़ी मकान ने जगह जगह पर बने ने, तो इन्होंने जराए आमदनी की है? ज़्यादातर सरकारी ने। सरकारी मुलाजम ने, फौज हो जी। फौज भी नहीं, या कोई छोटी मोटी दुकान वगैरह होगी जी। ठीक है। तो इतने पानी का क्या इंतजाम है तुम्हारा? पानी कितों तुम लें? पानी बड़ी मुश्किल ना लाने, दूर से लो। दूर से लिया हो? चश्मे तो भर के लिया हो? गतियाँ तो वह तो काफ़ी मसला नहीं बनता होना? मसला ही है। डेली भर के लिया हो? तो बिजली वगैरह भी है इतने? बिजली है। मतलब तू इतने जड़ियाँ के उलझन तकलीफा ने जड़िया, मतलब इतना पानी ने मसला ज्यादा जी, अस्पताल शस्पताल पानी का त्योर की अस्पताल वगैरह दूर है, मतलब कोई बीमार हो जाए तो उन्होंने लैके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रोड में मसला ही है। हाँ, साफ सारे रोड की वजह तो ही दूर हो जाता है ना, तिना ही अहम चीज़ा ने जी। हाँ, तो फिर तो काफ़ी इसका मतलब मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हो जी। ठीक है जी। नाजरीन ग्रामी, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं भाईजान की बात। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इतना प्यारा इलाका है, ये इतना खूबसूरत इलाका है कि किसी भी दूसरे इलाके से कम नहीं है। तो अगर हो सके तो इन लोगों के मसाइल हल करें, इनको कोई पानी की सहूलत दें, कोई पाइप बिछा दें, कोई पानी की स्कीम लगा दें, कोई रोड अच्छे बना दें, कोई अस्पताल छोटे बड़े नहीं तो छोटे अस्पताल ही बना दें, ताकि इन बेचारों की जो ये मुश्किलात हैं, इनकी मुश्किल ज़िंदगी है, उसमें कुछ आसानी पैदा हो जाए। नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।